और अब बात राहत की रेल की। लॉकडाउन के पहले झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों से इलाज के लिए वेल्लोर गए मरीजों और उनके परिजनों को लेकर स्पेशल ट्रेन हटिया स्टेशन पहुंची। हटिया स्टेशन पर ही सभी वापस लौटने वाले लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी और फिर उन्हें यात्री बस में बिठाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना कर दिया गया। इस ट्रेन में करीब 1200 यात्री झारखंड लौटे। ट्रेन काठपाड़ी स्टेशन से 6 अप्रैल रात्रि 10 बजे खुली थी, लेकिन विशाखापट्टनम में गैस लीक की वजह से 5 घंटे ट्रेन लेट हो गई थी। घर वापसी के बाद लोगों के चेहरों पर खुशी देखी गई। सभी ने झारखंड सरकार की पहल की सराहना की, खासकर सीएम हेमंत सोरेन को दिल से धन्यवाद दिया। कुछ यात्री घर लौट इतने खुश दिखे कि उन्होंने मुख्यमंत्री के जयकारे भी लगाए। खास बात ये रही कि इस ट्रेन से आने वाले लोगों से टिकट के पैसे नहीं लिए गए, झारखंड सरकार ने सारा खर्च उठाया। हटिया पहुंचने पर यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था की गई थी, जिनसे हटिया स्टेशन से उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया। प्रशासन ने ट्रेन में आए मरीजों की सहूलियत को देखते हुए उन्हें निजी वाहन ले जाने की भी अनुमति दी थी। आज माननीय हेमंत सोरेन सर के प्रयासों के चलते हम लोग अपने परिवार से मिलेंगे। हम दिल से धन्यवाद देते हैं माननीय हेमंत सोरेन सर को और तमाम उन लोगों को जो इस मुहिम में शामिल है। आपदा की इस घड़ी में लगातार हेमंत सोरेन सर भिलौर में फंसे हुए लगातार लगभग 5000 से अधिक लोगों को खाना निरंतर मिला और उनके परिवार प्रयास के कारण हेमंत सोरेन हर तरह से सहायता किया, हर तरह से दो माना के बाद हर तरह से परेशानी दूर किया, यहाँ तक के मरीजों लाने में सुविधा। हेमंत सोरेन हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन चलते हम यहाँ तक पहुँच गया। हर तरह से सहायता दिए हम लोग, हर तरह से सुरक्षित रखे हम लोग, हर तरह से सुविधा करके यहाँ तक पहुँचा। खाना रास्ता में खाना पानी हर चीज मिला हम लोग, हर आराम से हर सुख से यहाँ तक पहुँचे हम लोग। उनका भारी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। हमें लगता है कि झारखंड के इतिहास में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री इस बार हमारे हेमंत सोरेन जी हैं और हमें नहीं लगता कि इसकी बराबरी को कर पाएगा, क्योंकि इस कोविड-19 के महामारी में आप अब अगर दूसरे राज्य में आदमी फंसा हुआ है और यहाँ लाए तो हमको मतलब एक नंबर मुख्यमंत्री मानते हैं पूरा भारत का। वेल्लोर हॉस्पिटल वहाँ दिखाने उखाने के बाद हम लोग लॉकडाउन में फंस गए। स्थिति तो मोटा मोटी ठीक ही था, का मिल रहा था, खाने पीने तो समस्या था, रहने का भी दिक्कत ही थी। का व्यवस्था कैसे हुआ? आने का तो झारखंड सरकार व्यवस्था की है। कोई पैसा कोई टिकट लगा नहीं, वो सब कहीं कुछ कोई टिकट नहीं लगा कहीं कुछ नहीं। सरकार का मेहरबानी है सर, हम लोगों को धन्यवाद है सर। थैंक यू सर। कोई पैसा कोई नहीं, कोई पैसा कोई टिकट मिला सर? कोई पैसा नहीं। हम लोग भिलौर गए थे CMC डॉक्टर दिखाने अपना बेटा को, बहुत बुरी तरह से हम लोग फंस चुके हुए थे। हेमेश सोरेन्स के वजह से हम लोग आए हुए हैं, उन्हीं ने लिंक भेजे और हम लोग की मदद की, झारखंडी भाइयों की। हम लोग झारखंड रांची, हाँ बहुत बहुत मैसेज की उसी को फोड़ दे उसी दिन। राज्य सरकार के लिए मैसेज होगा कि उसने हमारे लिए जो भी किया बहुत अच्छा किया, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हटिया स्टेशन पर यात्रियों की अगुवाई करने खुद रांची के DC और SSP मौजूद थे। DC ने कहा कि सभी यात्री रेड जोन से आ रहे हैं, ऐसे में रांची के यात्रियों के कोरोना सैंपल लिए जाएंगे। क्योंकि मरीज हैं और उनके साथ तो उनके केयरटेकर्स हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे आप देखेंगे करीब 80 के आसपास सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स लगाए हैं, 60 से अधिक व्हीलचेयर हैं, 20 स्ट्रेचर हैं। जो परिजन लेने आना चाहते हैं उनके लिए भी फैसिलिटेट किया है और उनको दो बार बस में चढ़ना उतरना ना पड़े, इसलिए रांची ज़िले के जो हैं उनकी यहीं पे स्क्रीनिंग भी होगी, स्वैबिंग भी होगी। ट्रेन आ रही हैं लगातार, हर ट्रेन की जो यात्री आ रहे हैं उनकी कोई असुविधा ना हो, और जो मानक हैं सोशल डिस्टेंसिंग के और उनकी जो मेडिकल स्क्रीनिंग है उसके लिए हम लोग स्वयं अपने निगरानी में सारी प्रक्रिया करवा रहे हैं। आज जो ट्रेन आई है वो वेल्लोर से है और इसके लिए भी व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं।